रात में बहुत पेन रहता था, नौजिया था, लॉस ऑफ एपेटाइट था, सिवियर वीकनेस थी। अब स्वर्णा जी ने हमारे पास डे केयर में 7 डेज का जो ट्रीटमेंट हमारा है वो कंप्लीट किया है और आज ही डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्वर्णा, आप जो जो आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट ली है उसके बाद आपको कितना रिलीफ आया है और कौन सी आपकी जो ऑन एडमिशन प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कब्ज बहुत ज्यादा थी आपको, भूख कम लगती थी, उल्टी की दिक्कत भी बहुत ज्यादा थी, पेट में दर्द रहता था, है ना, उस सब में कितना परसेंट आपको 7 दिन के अंदर रिलीफ आया, तो आप बताना चाहेंगे हमारे बाकी पेशेंट्स को या बाकी लोगों को? दर्द बहुत कम हो गया। दर्द कितना परसेंट कम हो गया 7 दिन में? थोड़ा सा है, खाना नहीं जाता था पेट के दर्द की वजह से, उल्टी भी लगता था, तो अभी वो उस ट्रीटमेंट चालू हुए जिनसे खाना भी चालू जा रहा है, जैसे फ्रूट सारे खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, खाना उसमें भूख बढ़ गया है उनका, उल्टी भी ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो गया। और पंचकर्मा के बाद उनका जो बैक पेन जो था, जो कंटिन्यूस होते थे वो पूरा कम हो गया। तो ओवरऑल मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि 7 डेज के ट्रीटमेंट में आपको कितना परसेंट रिलीफ आ गया है सिम्टोमेटिकली, जो इनकी सारी प्रॉब्लम्स थी ऑन एडमिशन उसमें? जो 90% तो आ गया है। आ गया 90% आ गया। तो स्वर्णा जी, जो बाकी पेशेंट्स हैं सीए के, सीए एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे सिम्टोमेटिक इश्यूज भी आते हैं, एनोरेक्सिया हो गया, वीकनेस हो गई, पेशेंट खा नहीं पाता है, वॉमिटिंग बहुत रहती है ना, तो ऐसे बहुत सारे मरीज है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हिम्स अस्पताल में आने के बारे में और यहाँ की ट्रीटमेंट के बारे में? हिम्स अस्पताल में दे देंगे सर, जिसमें बहुत सारे लोग है जिनको खाना ही में जाता नहीं, जब खाना नहीं जाएगा तो ऑलरेडी वीकनेस आ जाता है, वेट भी लॉस होता है, वीकनेस भी हो जाता है। और यहाँ का जो डाइट है वो सीए पेशेंट्स का स्पेसिफिक डाइट चार्ट आपको अलग से बना के दिया जाता है। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी जो भी हमने आपको यहाँ सिखाया है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, चाहे वो योगा से रिलेटेड चीजें हैं, वो आप घर जाके भी फॉलो करेंगे, और जब आप हमारे पास फॉलो बैक लेते रहेंगे हम आपका, तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट है वो और बेटर होकर आएगी। अभी 50% है 7 डेज में, आप जैसे 90% आप कह रहे हैं, तो आने वाले 3 मंथ्स में, आने वाले 1 मंथ में ये कम्प्लीट 100% की तरफ जो आपका है वो फीडबैक आएगा। थैंक यू सो मच सर।